स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल फरीदनगर में गुरुवार को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालकों ने जमकर हंगामा किया एवं मांग करने लगे कि इस नए भवन में हिंदी के बच्चों के साथ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को साथ में न बिठाया जाए। गुरुवार की सुबह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल फरीदनगर में हंगामा हो गया। दरअसल मामला यह है कि यह स्कूल पहले पुरानी इमारत में संचालित होता था और अब इसके लिए नई इमारत बना दी गई है और इसी इमारत में यह स्कूल संचालित हो रहा है। इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालकों का कहना है कि हमने निजी स्कूलों से अपने बच्चों को हटाकर इस स्कूल में एडमिशन कराया है और इस स्कूल में हिंदी माध्यम के बच्चे भी साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं, जिससे उनके बच्चों की आदतें खराब हो रही हैं। उन्होंने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे अपने साथ कुछ गैरकानूनी चीज़ भी लेकर स्कूल में आते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव देखा जा रहा है और वे नहीं चाहते कि हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ उनके बच्चों को बैठाया जाए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे नहीं है। कल की डेट में कोई हादसा अगर हमारे बच्चे के साथ होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चाकू लेके आ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी स्कूल निकाल के यहाँ डाल रहे हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा मतलब पढ़ाई हो, अच्छे से मतलब उनका फ्यूचर बने, तो हम इतना परेशानी से यहाँ पर वो करें। तो हिंदी मीडियम वाले को हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते। या फिर हिंदी मीडियम पढ़ा लीजिए या इंग्लिश मीडियम पढ़ा लीजिए, हम लोग को बिल्कुल भी हिंदी मीडियम वालों से नहीं पढ़ाएंगे। कि और भी स्कूल है भिलाई में, हां वहां करिए, सेपरेट करिए, स्कूल बनाए तो कैसे पढ़ा पाएंगे? इंग्लिश मीडियम बना ना तो हिंदी क्यों आ रही है? कोई भी जगह ऐसी नहीं पढ़ाया जाता। इंग्लिश मीडियम स्कूल बना तो हिंदी क्यों आ रही है? हिंदी क्यों पढ़ा? मैं चाह रही हूं प्रॉपर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। और एक एक बच्चे स्टूडेंट चार्जर बैठ रहे हैं, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं बच्चे। हिंदी मीडियम के तीन अच्छे टीचर यहां पर नहीं पढ़ा नहीं पा रहे टीचर पढ़ा सकते हैं कि नहीं? पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो या हिंदी मीडियम का दबाव पड़ रहा है, ठीक है? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले पढ़े, हम चाहते कि इंग्लिश मीडियम ही स्कूल ही रहना चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल हिंदी का नहीं, यहाँ पर बहुत ही गंदा व्यवहार हो रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चे लोग चाकू लेके आ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है? तो है ना, हम नहीं चाह रहे कि ये हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर पढ़े। तो हिंदी मीडियम के जो पेरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों को आना चाहिए, सर कोई वैलिड रीज़न ही नहीं है सर। हमने ड्रेस खरीद लिए हैं तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे, ये कोई रीज़न नहीं हुआ सर। हम प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को यहाँ पे डाल रहे हैं, फर्दर एजुकेशन उनकी अच्छी हो। यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के साथ हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। इसी लालच में मैं अपने बच्चों को यहाँ डाल दिया हूँ। पढ़ाई में नो डाउट पढ़ाई ठीक है, लेकिन इस स्कूल में फरीदनगर में यह हो रहा है कि पहले ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक साथ नहीं पढ़ते थे, अब उन लोग को ला के यहाँ रख दिया गया है। और क्लास 7 का बच्चा मेरा खुद मेरा बच्चा है, उसको चाकू ला के टिका दिया था डेरा मॉल एक लड़के ने। इस बात पर कंप्लेन प्रिंसिपल साहब को किया, आज भी ये चाकू जब्ती है इनके यहाँ। तो इस तरह से हमारे बच्चों ऊपर क्या परेशानी आ रही है वो हम ही झेल रहे हैं सर। एक एक क्लास में 80-90 बच्चे हैं, ऐसा होता है क्या? सीट नहीं बैठने के लिए एक घंटा पहले आता है। अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग अभी आ रहे हैं ऑफिस जाएंगे और अलग अलग हो सेक्शन अलग अलग हो और उनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इससे हमारे बच्चे ऊपर जो परिवर्तन आएगा और जो उन्हें डिफॉल्टर आएगा, तो ये तो हम सहन नहीं कर पाएंगे सर। या तो हमारे बच्चे को टीसी दीजिए या उनको यहाँ से हटाइए। वहीं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल फरीदनगर के प्रिंसिपल ने इस बात को शीशे की तरह साफ करते हुए बताया कि यहाँ पढ़ने वाले बालकों के पालकों द्वारा उच्च स्तरीय अधिकारियों को शिकायत की गई थी, जिसके बाद यह फरमान जारी हो गया है कि पुरानी इमारत में। वहीं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल फरीदनगर के प्रिंसिपल ने इस बात को शीशे की तरह साफ करते हुए बताया कि यहां पढ़ने वाले बालकों के पालकों द्वारा उच्च स्तरीय अधिकारियों को शिकायत की गई थी, जिसके बाद यह फरमान जारी हो गया है कि पुरानी इमारत में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल संचालित किया जाएगा, जबकि पूर्व में दोनों ही स्कूलों को संचालित करने का आदेश भी सेजस की तरफ से ही दिया गया था। एक्चुअल क्या है, ये स्कूल पहले पुरानी बिल्डिंग में चल रहा था, संचालित हो रहा था पुरानी बिल्डिंग में सेजेस की, और वहाँ दोनों मीडियम संचालित था और हिंदी मीडियम 6, 7, 8 की कक्षाएं संचालित थी। जब ये नई बिल्डिंग बन गई तो वो सारे के सारे यहाँ पर शिफ्ट हो गए, पर चूंकि दर संख्या बढ़ गई है इसलिए इंग्लिश मीडियम के दर संख्या बढ़ने के कारण सेक्शंस की और शिफ्ट में डिवाइड कर दिया गया। शिफ्ट में डिवाइड करने के बाद कमरों की कमी को देखते हुए ये निर्देश ऊपर से प्राप्त हुआ कि हिंदी मीडियम की कक्षाओं का संचालन पुरानी बिल्डिंग में कर दिया जाए 6, 7, 8 की कक्षाओं का। तो उस आदेश के पालन करते हुए हमने HM सर और उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अब वहाँ के उन पेरेंट्स का कहना है, हिंदी मीडियम के बच्चे को पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों को यही पढ़ाया जाए, और इस सिलसिले में वो लोग ऊपर
साहब से भी मिले हैं और वहाँ से ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है कि उनको यहाँ पे लाना चाहिए। इसी बात का विरोध आज हमारे आज ये इंग्लिश मीडियम के पेरेंट्स कर रहे हैं और आज यहाँ पर आकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल फरीदनगर में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालकों द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां विवाद को आमंत्रित करती हैं और बच्चों के पढ़ने की उम्र में उन्हें विवाद का सामना करना पड़े तो यकीनन उनकी पढ़ाई में भी फर्क पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ संतोष शर्मा।